हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे। देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे T20 वर्ल्ड कप का जो मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में। डिटेल में कवर करेंगे दोनों टीम्स के साइड से कौन से प्लेयर आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। स्पेशली अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ तो आज के मैच में कुछ एक दो से तीन बड़े प्लेयर रहेंगे जो आपको वापसी करते हुए दिखेंगे, उनके बारे में बताऊँगा कौन से वो प्लेयर रहेंगे और इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो ज़रूर आपको वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बस एंड तक आपको वीडियो देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे यूज़र्स से भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वीडियो में बताई जाएगी किस प्रकार से आप लोग आज के मैच में टीम बना सकते हो, कौन कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की आज के मैच में सबसे बेस्ट ऑप्शंस कौन से रहेंगे। देखो, कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो डिस्कशन रहेगा ना, या फिर जो भैया पिक्स रहेंगे ना, वो आज के मैच में आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर देने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 5 से 6 कम से कम आपको ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन में रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के। तो मैं आपको सेफ ऑप्शंस भी बताऊंगा, प्लस मैं आपको डिफरेंशियल पिक्स भी बताऊंगा कि आप लोग किसको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो एंड तक वीडियो में आपको बने रहना है। चैनल पर नए हो तो भाई सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। प्लस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, ज़रूर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि देखो टॉस के बाद में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है या फिर फाइनल टीम में जो कोई भी चेंज करना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपडेट करूंगा। प्लस आपको जो ग्रैंड लीग की टिप्स रहेंगी वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो टॉस के बाद की सारी अपडेट्स फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, नीचे लिंक दे रखा है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 36,000 के आसपास मेंबर्स ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग भी कर लेना भाई, सारी अपडेट्स आपको टॉस के बाद की टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। अब यहाँ देखो, अगर मैच की बात करूँ तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो इस वेन्यू के ऊपर मैच हुआ था ना, यानी कि ये जो मैच खेला जाएगा भाई ये पर्थ के वेन्यू के ऊपर खेला जाएगा, और पर्थ के वेन्यू के ऊपर जो लास्ट मैच हुआ था वो इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में हुआ था, जहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो अफगानिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 112 रन करे थे और इंग्लैंड की टीम को 112 रन चेज करते हुए भाई लगभग 18 ओवर लगे थे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम स्कोर उस मैच में था, हो सकता है कि इस मैच में भी आपको कम स्कोर बनता हुआ दिखे, लेकिन शायद इतना कम भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीम्स काफ़ी बढ़िया है। अगर उस मैच में इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आई होती तो शायद आपको एक बड़ा स्कोर भी देखने को मिल सकता था, या फिर हम लोग ये भी कह सकते भाई शायद पिच की साइड से कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिले जो बैटिंग के फेवर में ना गई हो, बॉलर्स को वहाँ पे ज़्यादा मदद मिली हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि भाई हर मैच में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज के मैच के अगर मैं टीम कॉम्बिनेशन की बात करूँ, सबसे पहले मैं सेफ ऑप्शंस के बारे में बात करूँगा, फिर हम लोग अपना डिफरेंशियल पिक्स का डिस्कशन करेंगे। तो सेफ ऑप्शन में सबसे पहले तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आँख बंद करके आप लोग कुशाल मेंडिस को पिक कर लेना, आपके पास में दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। मैथ्यू वेड को कर सकते हो, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर भाई बहुत ही ज़्यादा नीचे आपको मिलेगा, 5th या 6th डाउन। अगर ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर चला तो मैथ्यू वेड की तो वैसे ही बैटिंग नहीं आएगी, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा भाई मैथ्यू वेड को टीम में पिक करना अगर आप लोग स्मॉलली खेल रहे हो। तो स्मॉलली के हिसाब से बताऊं तो कुशल मेंडिस से बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी, रिसेंटली बढ़िया फॉर्म में भी है, श्रीलंका की साइड से ओपन करते हुए आपको देखेंगे और लास्ट मैच में काफ़ी बढ़िया पारी खेली। टेलीग्राम पे आपको अपडेट दिया था भाई टॉस के बाद में कुशल मेंडिस को डिफरेंशियल पिक में कैप्टन वाइस कैप्टन रखना। लास्ट मैच अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो डेफिनेटली आप लोगों ने अच्छा खासा विन जरूर किया होगा। बैटिंग सेक्शन में आओगे, डेविड वॉर्नर आपको पता ओपन करने आएंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम की साइड से, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है लेकिन फॉर्म उतनी बढ़िया फिलहाल नहीं है। मिचेल मार्श के साथ में मैं जाऊँगा, या से आप लोग धनंजय डिसिल्वा को ट्राई कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या करोगे फिंच के साथ में जा सकते हो, चरिता सालंका आपके पास में ऑप्शन है, या से बानुका राजापक्सा की ऑप्शन है। और एक और सबसे बड़ी अपडेट, पाथुम निशांका आपको इस मैच में ज़रूर खेलते हुए दिखेंगे, श्रीलंका की साइड से लास्ट मैच नहीं खेले थे भाई, ध्यान रखना इस मैच में ज़रूर खेलने वाले हैं। आज इनका सिलेक्शन देखो केवल 11% है, लेकिन जैसे ही टॉस होगा और लाइनअप आएगी और लोगों को पता लगेगा कि पाथुम निशांका खेल रहे हैं तो भाई डेफिनेटली इनका सिलेक्शन आपको फिर ज़्यादा देखने को मिलेगा। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बड़ी हिटिंग कर सकता है तो ध्यान रखना, लेकिन अगर स्टार्टिंग के ओवर बढ़िया निकाल दिए तो भाई मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि 3 से 4 ओवर अगर इन्होंने रुक के खेल लिया ना तो डेफिनेटली निशांका के बल्ले से एक बढ़िया पारी आपको देखने को मिलेगी। तो पाथुम निशांका आपके लिए बहुत ही अच्छी पिक हो सकती है, ज़रूर टीम में ट्राई कर सकते हो। डिफरेंशियल जाने वाले चरिता सालंका या फिर बानुका राजापक्सा के साथ में जा सकते हो, उसका रीज़न आपको बताऊँ, उसका रीज़न ये है देखो ऑस्ट्रेलियन टीम की जो बॉलिंग यूनिट है ना वो काफ़ी बढ़िया, लेकिन लास्ट में जो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के साथ में खेला ना वहाँ भी भाई ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की ऐसी तैसी करके रख दी थी न्यूजीलैंड की टीम ने, ठीक है।
और 200 का स्कोर किया था। बदले में चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम भैया बड़ा स्कोर नहीं कर पाई थी, वो भी ध्यान रखना। तो इतना भी स्ट्रॉन्ग मत मान के चलना। लेकिन यार वो न्यूजीलैंड की टीम थी जहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो फिन एलन स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल खुल के खेले थे, और अगर स्टार्टिंग में बल्लेबाज थोड़ा सा खुल के खेलेगा ना तो डेफिनेटली सामने वाली टीम्स के बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आएगा। और फिर भाई देखो कितना भी बढ़िया बॉलर क्यों ना हो उसकी तो लाइन लेंथ जो है आपको इधर उधर जाते हुए ज़रूर देखेगी, तो वो चीज़ यहाँ पे श्रीलंकन टीम को भी करनी पड़ेगी। जो ये एशिया कप में खेल के आए थे ना वैसा इनको खेलना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में आओगे वानिदू असरंगा, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस टोइनिस है, तीन इंपॉर्टेंट पिक्स, तीनों को मैंने फिलहाल टीम में पिक कर लिया, ठीक है। ये तीन आपके लिए कॉमन पिक्स रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन से। लेकिन नीचे आओगे तो यहाँ पे चमिका करुणारत्ने की भी ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हो। दसुन सनाका की ऑप्शन है, डिफरेंशियल पिक में सनाका को रख सकते हो। आज के मैच में बैटिंग आने के चांसेस बन सकते हैं, क्यों बन सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूनिट बढ़िया है। श्रीलंका अगर स्टार्टिंग में बढ़िया नहीं खेली तो विकेट्स डेफिनेटली गिरेंगे, और विकेट्स गिरेंगे तो फिर सनाका की बैटिंग आने के प्रॉपर चांसेस है, और सनाका काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, लोअर ऑर्डर में आके अच्छी खासी हिटिंग करके जा सकता है। तो सनाका आपके लिए बहुत ही अच्छी डिफरेंशियल पिक में आ जाएगा। बॉलिंग सेक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो अगर मैं बॉलिंग के हिसाब से बात करूँ तो जो सेजलवुड एक इंपॉर्टेंट पिक है, चार ओवर अपने कंप्लीट करेगा, वो स्टार्टिंग अंदर विकेट अगर इसको मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन डेथ में जाकर फिर शायद उतने ज़्यादा विकेट्स इनको ना मिले, और डेथ के लिए शायद ऑस्ट्रेलिया टीम इनका सिर्फ एक ही ओवर रख सकती है, ठीक है। महेश दीक्षणा फिलहाल बढ़िया फॉर्म है, लेकिन अब देखोगे तो सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 77% जो सिलेक्शन है वो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस को देख के है, लेकिन आप लोगों को सोचना है कि आज के मैच में सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, क्या उसके सामने महेश दीक्षणा को टीम में पिक करना बढ़िया हो सकता है या फिर नहीं सकता, वो सोच के टीम कॉम्बिनेशन सेट किया करो। ये नहीं कि पिछले मैच में परफॉर्म किया तो भाई इस मैच में टीम में पिक करना ही करना है, क्योंकि ये भी देखो ना सामने वाली टीम कौन सी थी भाई लास्ट मैच में, तो वो भी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। पैट कमिंस को देखो मैं इस मैच में टीम में ट्राई जरूर करूंगा, लास्ट मैच बॉलिंग में ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाए थे, अच्छी खासी इनकी पिटाई हुई थी, लेकिन भैया इस मैच में वापसी ये जरूर कर सकते हैं, तो इस मैच में मैं इनके साथ में जाऊँगा, मैं मिचेल स्टार्क के साथ में जाऊँगा। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, लहिरू कुमारा को इस मैच में ड्रॉप किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है उसका रीज़न आपको बता दूँ। नीचे अगर मैं आपको बताऊंगा तो यहां से आपको एक प्लेयर मिलेगा, उसका नाम शायद यहां पे आपको मिलेगा, पी मधुशन, ठीक है। अगर आज के मैच में फिट होंगे तो लगभग 90-95% इनके प्रॉपर चांसेस है आज के मैच में आपको खेलते हुए जरूर देखेंगे, ठीक है। और ये खेलेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको यहां से खेलते हुए नहीं दिखेंगे, मेरे हिसाब से लहिरू कुमारा को टीम से बाहर किया जाएगा, ये एक बड़ा चेंज रहेगा। एक बड़ा चेंज मैं आपको यहां बता चुका हूं, पाथु निशांका आज का मैच जरूर खेलने वाले हैं, तो जरूर से टीम में पिक कर लेना, काफी बढ़िया प्लेयर है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छी हिटिंग भी कर सकता है। अब यहाँ पे यार अगर आप लोग मेरा टीम कॉम्बिनेशन देखोगे ना 11 प्लेस का, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगी, मैंने श्रीलंका की साइड से ना कम बैट्समैन को पिक करा है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलियन टीम की साइड से मेन बॉलर्स के साथ में गया हूँ। आप लोग देख सकते हो तीन अपने पास में मेन बॉलर्स है, जहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपके पास में मार्कस टोइनिस के जो कम्प्लीट अपने ओवर डालेंगे, मैक्सवेल बीच में एक दो ओवर करने आ सकते हैं अगर पिच की साइड से थोड़ा बहुत मदद देखने को मिलेगी, और आज के मैच में प्रॉपर चांसेज हैं, मैक्सवेल आपको एक से दो ओवर की बॉलिंग मेरे हिसाब से करते हुए ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि लास्ट मैच स्पिनर्स ने इस वेन्यू के ऊपर इंग्लैंड वर्सेज अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान के बीच में मैच था, वहां पे राशिद ने भी विकेट निकाले थे, वहां पे भैया अगर मैं बात करूं मोहम्मद नाबी ने भी विकेट निकाले थे, तो वहां पे काफ़ी बढ़िया बॉलिंग हमें देखने को मिली थी, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने भी काफ़ी अच्छा किया था, 5 विकेट उस मैच में सैम करन ने निकाले थे, तो ये ध्यान रखना। तो आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे हिसाब से बॉलर्स, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करने आती है ना तो डेथ ओवर के बॉलर्स आपको ऑस्ट्रेलियन टीम के जरूर पिक करने हैं, ये ध्यान रखना। और डेथ में बॉलिंग करेंगे मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, मेन दो बॉलर्स, एक ओवर मेरे हिसाब से डाल सकते हैं, जो सेजलवुड का एक ओवर ही शायद रखा जाएगा, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। लेकिन दो डेथ बॉलर्स मेन रहेंगे यहाँ पे, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, ठीक है। और अगर यहाँ पे श्रीलंकन टीम पहले बॉलिंग करने आएगी तो आपको पता है वानिदू असरंगा, महेश दीक्षणा दोनों के चार चार ओवर तो कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन ये भैया डेथ में बॉलिंग नहीं करेंगे, हो सकता है एक ओवर यहाँ पे वानिदू असरंगा लास्ट में डाल सकते हैं, लेकिन फिर इनके मेन बॉलर्स अगर आप लोग टीम में पिक करोगे तो आपको भैया देखो फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा या तो मधुशन के साथ में या फिर बी फर्नांडो के साथ में, ठीक है। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे लग रहा है कि आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बढ़िया खेलेगी और शायद श्रीलंका उतना बढ़िया परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन श्रीलंका की टीम अगर एशिया कप वाली अप्रोच लेके खेलेगी ना तो डेफिनेटली फिर ऑस्ट्रेलियन टीम को टक्कर यहाँ पे कड़ी मिलने वाली, क्योंकि एशिया कप में श्रीलंकन टीम काफ़ी खुल के खेली थी और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए भाई एशिया कप को भी विन करके आई थी, ठीक है। तो वो अप्रोच के साथ अगर खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कत कर सकते हैं, वो आप लोग ध्यान में रखना। डिफरेंशियल पिक मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखना यहाँ पे
अमृता सलंका पे स्टार लगा लेना, भानुगर राजापक्षा पे स्टार लगा लेना, पाथुम निशांका पे स्टार लगा लेना। तीन इंपॉर्टेंट पिक्स रहेगी श्रीलंका की साइड से, तीनों में से कोई एक मेरे हिसाब से ऐसा बल्लेबाज जरूर होगा जो आज के मैच में अच्छे खासे रन करके जा सकता है। चरिता सलंका लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, भानुगर राजापक्षा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, पाथुम निशांका राइट हैंडेड बैट्समैन है। अगर पाथुम निशांका को पिक करोगे तो सामने वाले टीम में बॉलर्स हमने ऑलरेडी पिक कर लिए जो मेन बॉलर्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डेथ में भी ओवर डालेंगे, वहाँ पर विकेट ले सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में नहीं भी निकालेंगे तो आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, धनंजय डिसिल्वा को टीम से डायरेक्ट ड्रॉप कर दो और यहाँ से भैया आप लोग फिर क्या करोगे, पाथुम निशांका को भी टीम में ट्राई कर सकते हो, चरिता सलंका को रख सकते हो, भानुगर राजापक्षा को रख सकते हो, या फिर क्या करो डिसिल्वा को भी टीम में पिक कर लिया तो भाई कोई एक मेन बॉलर आप लोग ऑस्ट्रेलिया का अपनी टीम से ड्रॉप कर देना, जो भी आपको ठीक लगे। चाहो तो यहाँ पे मिचेल स्टार्क को ही टीम से ड्रॉप कर दो, जिनकी करंटली फॉर्म उतनी बढ़िया फिलहाल है भी नहीं, तो यहाँ पे चमेका को ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ पे श्रीलंका पहले बॉलिंग करना है क्योंकि आपको ओवर्स ये डेथ में ज़रूर डाल के देंगे तो विकेट के प्रॉपर चांसेस भी बन सकते हैं, या फिर बैटिंग सेक्शन से आप लोग यहाँ पे फिंच को ट्राई कर सकते हो, चरिता सलंका भानुगर राजापक्षा को भी ट्राई कर सकते हो। फिंच देखो इस मैच में एक डिफरेंशियल पिक रहेगा और हो सकता है कि मैं यहाँ पे फिंच के साथ में भी जा सकता हूँ। मैं मैक्सवेल को भी टीम से ड्रॉप करता हूँ, मैं यहाँ पे मार्कस स्टोनिस को इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पे ये बॉलिंग को कंप्लीट जरूर देने वाले हैं, तो मैं हो सकता है मैक्सवेल को भी ड्रॉप करके यहाँ पे फिंच के साथ में भी जा सकता हूँ क्योंकि सामने श्रीलंका टीम है और फिंच भाई एक ऐसा प्लेयर है जो इनके सामने शायद परफॉर्म करके बढ़िया हमें पॉइंट्स देके इजीली विन भी करवा सकता है। तो ये चीज़ हम लोग डिसाइड करेंगे टॉस के बाद में कि कौन सी टीम पहले बैटिंग या फिर बॉलिंग करने आ रही है, उस हिसाब से फिर मैं टीम में चेंजेस करूँगा और जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो आपको अपडेट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर फाइनली मिलेगी, तो ज्वाइन करके रखना, लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात आती है बॉस, तो सबसे बेस्ट ऑप्शंस में यहाँ पे वानिंदु असरंगा रहेंगे, डेविड वॉर्नर रहेंगे, ग्लेन मैक्सवेल रहेंगे, कुशल मेंडिस लास्ट मैच की फॉर्म काफ़ी बढ़िया है, तो ये चार मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पिक्स रहेंगे। ठीक है, अब इनके अलावा डिफरेंशियल में क्या ट्राई करोगे वो आपको बता दूं, मिचेल मार्श मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पिक भाई अगर मैं डिफरेंशियल की बात करता हूं। ठीक है, तो पहली डिफरेंशियल पिक रहेंगे मिचेल मार्श, उसके बाद में पाथुम निशांका। अगर आप लोग अपनी टीम में पिक कर रहे हो पाथुम निशांका डिफरेंशियल पिक में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नीचे आओगे मार्कस स्टोइनिस को ट्राई कर सकते हो या फिर कोई भी एक मेन बॉलर आप लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम की साइड से भी एज ए डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में ले सकते हो, डेथ ओवर बॉलर की बात कर रहा हूँ। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने आएगी तो ये भी ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें जो आपको सोच समझ के करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा, भाई पसंद आया हो वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच के वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कॉम्बिनेशन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।